पालकी का 1400 रेट है, जिसमें से रोड टैक्स 200 रुपया दे रहे हैं, 1200 हमको मिल रहा है, घोड़े का 500 रुपया, 100 रुपया वो रोड टैक्स ले रहे हैं, 400 रुपया घोड़े वाले को मिल रहा है। फैसिलिटी क्या मिल रही है आपको? फैसिलिटी कुछ भी नहीं सर। इंश्योरेंस होता है आपका? कुछ नहीं सर। घोड़े का होता है? कुछ ना पालकी वाले का, ना घोड़े वाले का, ना पिट्ठू का। तो इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं सर नहीं। पानी की फैसिलिटी? पानी भी नहीं है सर। घोड़ों की फैसिलिटी? यहाँ शेड बनाया? शेड बिल्कुल नहीं सर। तो जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, कैसे उनको चढ़ाते हैं यहाँ पे? चढ़ाते सर यही सीढ़ियों से चढ़ाते हैं, फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं है। तो चढ़ने के लिए तो बनाया होगा स्थान कोई? वो कंधे के ऊपर बैठा के माध्यम से। कंधे से। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है जी। सर ये समस्या साड़ी अपने कोड़ा पालकी दी, कोई रेट सर कन्फर्म नहीं है? अपना रेट ने बढ़ाई लिया, साड़ा रेट था। क्या रेट है ये बताएंगे सर? रेट है 1400 रुपया पालकी का, 200 रुपया रोड टैक्स हुई है। अच्छा, सर फैसिलिटी क्या दे रहे हैं सर? सी कोई नहीं सर, ना पालकी है ते ना साड़े को अपने का पालकी, अपना सब कुछ है, ऐसे साड़े को कुछ भी नहीं। आपका इंश्योरेंस हुआ है? कुछ नहीं, इंश्योरेंस कख भी नहीं सर। 200 रुपया किस चीज का लेते हैं? बस रोड में चलने का सर। अच्छा, कितना किलोमीटर सफर है? 3.5-4 किलोमीटर सफर है, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो आप जब यहाँ पर आवाज उठाते हैं तो क्या आपको कहते हैं, क्या आश्वासन मिलता है लोगों को? बोलते हैं अगले महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, अभी 5-7 साल हो गए सर ऐसे ही। तो घोड़े वालों का क्या रहता है? सर 500 रुपया रेट है उनका आने जाने का, 100 रुपया रोड टैक्स हो जाता है उनका, बाकी कुछ नहीं उनको भी मिलता है सर, कोई समस्या नहीं है। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई रास्ते में शेड है, ना घोड़ा लगाने की जगह है, ना कोई पालकी रखने की जगह, कुछ भी नहीं हमारे पास। खड्डा निकालो और बीच में फेंक दो, ऊपर से मिट्टी निकाल दो बस, बाकी कुछ नहीं मिला हमको। जो आप 100 रुपया फिर या 200 रुपया देते हैं वो किस खाते में जाता है? पता नहीं चल रहा किस खाते में, ऊपर से भी पूरे भंडार भर के लाते हैं तो हमारे को मिल नहीं रही, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, कोई रास्ते में डेवलपमेंट नहीं, कोई पानी की समस्या नहीं, पानी पीने का नहीं है रास्ते में, ना घोड़े वाले को ना पालकी वाले को। हमारा पूरन शर्मा नाम है, यहाँ पे समस्या ये है सर, जो रेट है ये बहुत पुराने रेट हैं, इसमें मजदूर का बारे में कोई नहीं सोचता है, जो आता है वो झूठे वादे करके चले जाता है, आपको मैं ये फैसिलिटी दूंगा वो दूंगा, जब वोट लेके चल जीत जाता है अपनी सिम को बंद कर देता है, गरीब की कोई सुनाई नहीं सुनता है। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है जो पालकी का 1400 रेट है, जिसमें से रोड टैक्स 200 रुपया दे रहे हैं, 1200 हमको मिल रहा है, घोड़े का 500 रुपया, 100 रुपया वो रोड टैक्स ले रहे हैं, 400 रुपया घोड़े वाले को मिल रहा है। फैसिलिटी क्या मिल रही है आपको? फैसिलिटी कुछ भी नहीं सर। इंश्योरेंस होता है आपका? कुछ नहीं सर। घोड़े का होता है? कुछ ना पालकी वाले का, ना घोड़े वाले का, ना पिट्ठू का। तो इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं सर नहीं। पानी की फैसिलिटी? पानी भी नहीं है सर। घोड़ों की फैसिलिटी? यहाँ शेड बनाया? शेड बिल्कुल नहीं सर। तो जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं कैसे उनको चढ़ाते हैं यहाँ पे? चढ़ाते सर यही सीढ़ियों से चढ़ाते हैं, फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं है। तो चढ़ने के लिए तो बनाया होगा स्थान कोई? वो कंधे के ऊपर बैठा के माध्यम से। कंधे से। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? टोटल सर यहाँ पे घोड़ा पार्क के 700-800 आदमी है। 700-800 बंदा है? जी जी। तो ये कब से चलता आ रहा है? जी सर तो 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल से यहाँ से चलता आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं इंश्योरेंस से घोड़ा और पालकी वाले का इंश्योरेंस हो, वो आदमी मर भी जाए उसके घर वालों को 4 पैसे मिलेंगे, हमारा आदमी काम करता था जी। तो उसको मिलेगा कुछ नहीं तो क्या फायदा है? अच्छा। उसका अगर घोड़ा 50-60 हजार का मर जाएगा तो वो कहाँ से लेगा बेचारा? गरीब आदमी को ऐसा फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, उसको घोड़ा तो मिलना चाहिए तो काम करेगा। ये ऊपर में आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर कौन से जगह ही नहीं सर जी, कहाँ से रखेंगे वो? अच्छा, ये कभी इसी दुकान पे भागा होगा, कभी इधर घोड़ा भागा हुआ है, अपना टाइम पास कर रहे हैं गरीब लोग। तो पार्किंग भी यही, तो घोड़े भी यही, पार्किंग भी जहाँ है और यात्रा पर्ची भी रजिस्ट्रेशन जहाँ ही है। आप चाहते हैं आपका इंश्योरेंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? इंश्योरेंस तो सर हर आदमी का होना चाहिए। देखो घोड़े वाला जब पालकी वाला रास्ते में मर जाता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसका कौन साथी बनेगा? रजिस्ट्रेशन है आपकी, कोई कार्ड बना हुआ है? कार्ड तो पालकी घोड़े का बना हुआ ना हमारा, इधर के शान बोर्ड से तरफ से 25 साल हो गया काम करते। अच्छा, 25 साल बीच के फैसिलिटी तुसे इधर मिली है? कुछ नहीं मिला सर, 25 साल में पालकी भाई है। पालकी भाई? पालकी भाई है सर, 25 साल हुए हमें काम करते, टैक्स साढ़ा ज्यादा है। टैक्स कितना? 200 रुपया रेट होना चाहिए था सर। केदा पालकी कितने बंदे उधर पर जाते? 4 बंदे लिए जाते? 4 बंदे लिए जाते। एक आखरी श्राइन बोर्ड है, कोई बंदा जाता? बंदा सर जाते है ना, कहीं जाते सर। कितना टैक्स कटोंदा होगा? टैक्स 200 सर। 200 ओदा नहीं कटोंदा है सर। अच्छा, जो शनैन बोर्ड का बंदा लेने सर ओदा टैक्स नहीं कटोंदा है? ओदा नहीं कटोंदा? ओदा नहीं कटोंदा है सर। कल खुदा ना खास कल तो कुछ हो जाता, के फैसिलिटी देती है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टैक्स की कटते हैं साढ़ा 200 रुपया 1200। 22 साल हुई, कितना लोग इतना काम करता होना सर? 1000 कोला भी ज्यादा करते हैं काम। 1000 कोला ज्यादा? जी 1000 कोला ज्यादा करते हैं काम। अच्छा। बोर्ड देंगे, हाथ बनिए सुना भी
ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 2200 ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ 2200 ਰੁਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2200 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਦਾ 1400 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 1400 ਰੁਪਿਆ ਸਰ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 2200 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਸਕ ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਮਾਈ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।